हाय, दिस इज स्मित फ्रॉम जस्मीत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। और इसके साथ साथ कोविड-19 के केसेस बढ़ने बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं, तो कोशिश करें कि आप लोग अपने घर पर रहें। अगर कहते हैं कुछ काम अर्जेंट नहीं है, ठीक है, तो आप कहते हैं अपने घर पर रहें, और कुछ काम बहुत ज़रूरी है तो ही घर के बाहर निकलें, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा हैं और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पूरे इंडिया के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि आपके SOL की साइट के ऊपर आपके कहते हैं कुछ नोटिस आए हैं, ठीक है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 15 मई से SOL के, रेगुलर के, NCVAP के, एनुअल मोड के बच्चों के, SOL के। और जो बच्चे रेगुलर के हैं, ठीक है, उनके कहते हैं ऑलरेडी कहते हैं सेमेस्टर मोड होता ही होता है, जो बच्चे रेगुलर के होते हैं और NCVAP वाले भी। अब बात करते हैं वो क्या कहते हैं अपडेट्स हैं और किस तरीके से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। उससे पहले एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है? आप सबके बहुत टाइम से मुझे कहते हैं सजेशंस थे कि आपको एक नया चैनल स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर, जसमीत क्लासेस के ऊपर, हम सिर्फ कहते हैं SOL, DU, रेगुलर, सिर्फ इन चीज़ों पे कहते हैं बात कर पाते हैं, ठीक है, बाकी करंट अपडेट्स के ऊपर, डेली अपडेट्स के ऊपर, एजुकेशनल वीडियो सब नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैंने फाइनली सेकेंड यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, जिसका नाम है JC शॉर्ट्स। यहाँ पर हम कहते हैं सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ ही अपलोड करने वाले हैं, जो कि सिर्फ लेस देन 1 मिनट की होंगी, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आपने आज तक इस चैनल को सपोर्ट किया, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप कहते हैं उस चैनल को भी कहते हैं सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं इससे भी बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और जो कि आपकी लाइफ में और कहते हैं आपके काम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को भी, ताकि आप सभी को सभी वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। अब बात कर लेते हैं वो क्या आप सबके नए अपडेट्स हैं। देखिए, सबसे पहले 19 अप्रैल को SOL की साइट के ऊपर ये नोटिस आया था। इसका मेन कुछ खास था नहीं, इसका मतलब यही था कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और जो आपके ओपन बुक एग्ज़ाम्स होंगे 15 मई से, ये कहते हैं दिन में 3 बार होंगे, यानी कि 3 सेशन में होंगे, ठीक है, टाइमिंग बांट दिया जाएगा। और कहते हैं ये एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का रहेगा, 3 घंटे का टाइम होगा लिखने का, ठीक है, प्लस आपको 1 घंटा और मिलेगा डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का, ठीक है। अब इसके लिए बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि कहते हैं जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, खासकर जो बच्चे SOL के हैं, एनुअल मोड के, जो बच्चे SOL एनुअल मोड के पूछ रहे थे कि हमने अभी तक SOL के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं करे, उसकी लास्ट डेट क्या है? कुछ लोगों ने फिलअप कर भी दिए होंगे, कुछ लोगों ने अभी तक फिलअप नहीं किए। उसकी लास्ट डेट आपकी है 30 अप्रैल 2021, ठीक है, तो 30 अप्रैल से पहले पहले आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर देना, अपनी फीस भी साथ में पे कर देना। एक चीज़ और, SOL के अंदर एग्जामिनेशन और एडमिशन फॉर्म एक ही होता है, कोई अलग से फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ता। रेगुलर और NCVAP में आपको कहते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म अलग से फिलअप करना पड़ता है, लेकिन SOL में ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहते हैं फीस पे कर दी, फॉर्म फिलअप कर दिया, बस काम खत्म। उसके बाद सीधा कहते हैं हॉल टिकट आएगा, एग्जाम देना होगा आपको। उसके बाद आपका नोटिस आया 21 अप्रैल को, यानी कि आपको कहते हैं कल ये नोटिस आया था। इस नोटिस में क्या था? इस नोटिस में ये था कि आपके ऐसे ऐसे एग्जाम्स होने वाले हैं। अब जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए, लास्ट ईयर जो आपके एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, फेज़ 1 के, फेज़ 2 में, अगर आपने उसमें कहते हैं अपने एग्ज़ाम नहीं दिए एनुअल मोड के बच्चों ने, तो वो अब कहते हैं आपके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एग्ज़ाम कैसे होंगे? एक डाउट कहते हैं जो बच्चे SOL के, उनके डाउट ये थे कि हम अभी 3rd ईयर में आ चुके हैं और हमारी बैक थी 1st ईयर में, वो बैक का एग्ज़ाम अभी तक शो नहीं हुआ। जब पेमेंट करी एग्जामिनेशन फॉर्म की, तब भी इशू नहीं हुआ, और पेमेंट करने के बाद फीस रिसिप्ट में भी कहते शो नहीं हुआ। आपको बता दूं कि आप चेक कर सकते हैं अपनी फीस रिसिप्ट, बहुत से बच्चों के अब कहते हैं एग्ज़ाम शो हो रहे हैं। बाकी एग्ज़ाम शो नहीं भी होता, उसके लिए कहते हैं सॉल्यूशन फाइनली आ चुका है। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले SOL की साइट ओपन करनी है, SOL.DU.AC.IN। साइट ओपन करने के बाद रोल नंबर और बारकोड से अपना कहते हैं लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपको कहते हैं कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ऐड फॉर इम्प्रूवमेंट ओनली फॉर 2nd और 3rd ईयर के लिए है ये, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज़ करेंगे कि जो सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी चूज़ करे इस साल एग्ज़ाम देने के लिए। इसके बाद जो आपकी बैक आ रखी है 1st ईयर की, उसके लिए आप कहते हैं यहाँ पर टिक कर सकते हैं, और नीचे कहते हैं टिक कर दें अंडरटेकिंग पे और सबमिट कर दें। ये फॉर्म सबमिट करना आपको ज़रूरी है अगर आपकी कहते हैं बैक आ रखी है। उसका रीज़न क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं अभी 2nd ईयर में है, 2nd ईयर कौन सा है? एनुअल मोड।
मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके एडमिशन 2018 से पहले स्टार्ट हुए थे या फिर 2018 में आपने S12 में अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी थी, ठीक है। मैं उनसे उनकी सिर्फ बात कर रहा हूँ जिनकी ग्रेजुएशन स्टार्ट 2019 या उसके बाद हुई है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो आप अगर कहते हैं थर्ड ईयर में है कोई फर्स्ट ईयर की बैच थी या फिर सेकेंड ईयर में है कोई फर्स्ट ईयर की बैच थी, एग्ज़ाम शो नहीं हुआ फीस पे करते समय, तो आपको ये काम करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कहते हैं एग्ज़ाम शो हो भी गया था, अगर यहाँ पे आपका एग्ज़ाम फर्स्ट वाली लाइन में आपको कहते शो नहीं कर रहा आपके जो जो से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं इस साल, तो आप चाहें तो इम्प्रूवमेंट के लिए आप कहते हैं यहाँ पर क्लिक करके अंडरटेकिंग में कहते क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं और वो एग्ज़ाम आपका 15 मई से हो जाएगा आपके बाकी एग्ज़ाम के साथ में, ठीक है। अगर आपकी कहते कोई भी बैक नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं देनी, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ये वीडियो आपके लिए फिर नहीं है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे रेगुलर के NCERT के उनको डाउट था कि कहते हैं हमें कहते हैं फॉर्म फिलअप करना था एडमिशन का भी और एग्जामिनेशन का भी, और इसी वजह से कहते हैं बहुत से बच्चे S12 के कहते हैं कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो आपको बता दूं जो बच्चे S12 के हैं उन्हें कोई भी अलग से फॉर्म फिलअप नहीं करना, एक ही फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एडमिशन फॉर्म, उसी को बोलते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म। जो बच्चे रेगुलर के होते हैं उनको अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और उनके सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम्स हैं 15 मई से, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर के हैं उनका स्टार्टिंग से ही कहते हैं सेमेस्टर मोड चलता आ रहा है। S12 में रिसेंटली 2019 से ही सेमेस्टर मोड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जो बच्चे कहते हैं रेगुलर के NCVAP के S12 के हैं सभी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, UG के भी और PG के भी, ठीक है। तो आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स हैं वो आप सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं, एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके। और आपको बता दूं कि आपकी जो लास्ट डेट है S12 की फॉर्म फिलअप करने की वो 30 अप्रैल है, ठीक है। और जो आपकी फाइनल डेट शीट रहेगी एग्ज़ाम्स की वो भी आपके कहते हैं इस मंथ के आखिर तक आ जाएगी, और मई फर्स्ट वीक तक आपका हॉल टिकट भी आ जाएगा, और कहते हैं लगभग 10 मई के आसपास आपके कहते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम्स के लिए आपके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर कहते हैं रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी रहेगा S12 को भी, रेगुलर को भी, NCVAP को भी, और 15 मई से आपके ओपन बुक एग्ज़ाम्स लाइव हो जाएंगे। तो आप तैयारी कर सकते हैं, नोट्स के लिए विजिट कर सकते हैं sirtajclasses.com के ऊपर। होप कि आप सबके जो भी डाउट्स हैं आप सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं, बहुत सी वीडियोस करने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ कवर आपका कर दिया। अब जो बच्चे सेमेस्टर मोड के हैं जिनके एडमिशन 2019 के बाद हुए थे या 19 से हुए थे, उनके अभी एग्ज़ाम्स हुए थे सेमेस्टर 1 के और सेमेस्टर 3 के, उसके रिजल्ट आने का वेट करो, रिजल्ट आने के बाद ही बाकी के सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम होंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और न्यू चैनल को जाके सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ जो नया चैनल स्टार्ट किया है JC शॉर्ट्स को, उसको सब्सक्राइब करना जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। घर पर रहें, फैमिली के साथ रहें और कोविड से बचकर रहें। बाय बाय।